एक और इतनी जल्दी अपडेट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू जीमेटी न्यूज़। तो गाइस आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तो जिसमें कि आज मैं बात करने वाला हूँ वांडा विजन टीवी सीरीज के बारे में। तो ये मार्वल की अपकमिंग टीवी सीरीज है जिसमें कि हमें कुछ कैरेक्टर जिंदा नजर आएंगे। और तो और इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस टीवी सीरीज में हमें टोटल 9 एपिसोड नजर आने वाले हैं, यानी कि एक एपिसोड अगर 1 घंटे का भी मान के चलो तो टोटल पहला एपिसोड से लेकर 9 एपिसोड यानी कि टोटल 9 हावर्स का हमें ये एपिसोड देखने को मिलेगा। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और वांडा विजन में 9 एपिसोड कंफर्म हो चुके हैं, अभी हाल ही में अपडेट आया है। और तो और ये टीवी सीरीज देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें टाइम ट्रेवलिंग देखने को मिलेगी, कुछ कैरेक्टर जिंदा देखने को मिलेंगे जिसमें कि विजन सबसे टॉप क्लास पर, साथ ही साथ इसमें हमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंपॉर्टेंट हो चुका है। और सबसे बड़ी खास बात कि ये टीवी सीरीज डायरेक्ट कनेक्ट होगी, यानी कि सीजन 1 सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होगा डॉक्टर चेन 2 से, फिर उसके बाद आएगा सीजन 2। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग है, तो फिर काफी लोगों को कंटेंट भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का और सारे एपिसोड को समझाने का, रिव्यू देने का, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और देन गाइस ये टीवी सीरीज रिलीज होने वाली थी शायद मे बी दिसंबर में, पर ये कैंसिल हो चुका है कोरोना वायरस के चलते, और अब ये टीवी सीरीज रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर में। तो देखते हैं क्या होता है। पर फाल्कन द विंटर सोल्जर अगस्त में ही महीने में रिलीज होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई अपडेट नहीं आया, और साथ ही साथ उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और कोई भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आज के बाद इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो मत इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर विजन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ, और देन मैं कुछ नया करने वाला हूँ, तो तैयार रहना उसके लिए।